हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रोडक्ट साइंस क्लासेस। आप सभी को मैनी मैनी हैप्पी होली। आप लोग खूब अच्छे से होली सेलिब्रेट करिए और किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई बदतमीजी मत करिए और बुरा ना मानो, होली है। मिलते हैं हम लोग फिर से अपनी ही क्लास में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वन लाइनर क्वेश्चंस में। ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस इज प्रमोटेड बाई, जो ग्रोथ है हमारी लेटरल ब्रांचेस की वो किससे होती है, रिमूवल ऑफ एपिकल बड। जब हम यहाँ पे जो हमारी ये एपिकल बड होती है, जैसे कि ये है, तो इसकी एपिकल बड है, इसको हटा देंगे तो प्लांट्स हमारे इधर इधर ग्रो होने लगेंगे। अगर हम ऊपर का हिस्सा उसका प्लांट का काट देते हैं तो वो हमारे प्लांट्स इधर उधर लेटरली बढ़ने लगते हैं। ठीक है, लीफ फॉल अकर्स एज एब्सेशन लेयर इज फॉर्म्ड व्हेन द कंटेंट ऑफ, जो लीफ फॉल होती है, ठीक है, जो पत्तियां गिरती हैं वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि उसमें एब्सेशन लेयर आ जाती है। तो वो कब एब्सेशन लेयर आती है, जब ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है, तब एब्सेशन लेयर आ जाती है और पत्तियां हमारी झड़ने लगती हैं। एपिकल डोमिनेंस इन हायर प्लांट्स इज ड्यू टू, जो एपिकल डोमिनेंस होता है हमारा, ठीक है, हायर प्लांट्स, वो किसकी वजह से होता है, जो एपिकल डोमिनेंस है वो होता है किसकी वजह से होता है, बैलेंस बिटवीन ऑक्सिन एंड साइटोकाइन, यानी किसकी वजह से होता है, बैलेंस बिटवीन ऑक्सिन एंड साइटोकाइन। इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, ये हमारा ऑक्सिन का क्या होता है, नेचुरल ऑक्सिन है, कॉल्ड एज ऑक्सिन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ये हमें कहाँ से मिला था, ह्यूमन यूरिन से मिला था, ठीक है, ये ह्यूमन यूरिन से हमें मिला था, कौन सा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। पार्थेनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय, जो पार्थेनोकार्पी है ये किससे इंड्यूस्ड होती है, किसकी वजह से ये आगे काम करती है, कौन सा हार्मोन हम इसमें देते हैं, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ठीक है। हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एग्जिस्ट इन, जो हमारा हाईएस्ट कंसेंट्रेशन है ऑक्सिन का वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट्स, कहाँ पे करता है, ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोइंग टिप में एग्जिस्ट करता है। प्रिवेंट्स फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स हार्मोन, अब जो हमारे फ्रूट हार्मोन है, ठीक है, ऐसा कौन सा फ्रूट हार्मोन है जिसकी वजह से हम फ्रूट्स को गिरने से रोक सकते हैं, कौन सा हार्मोन है, NAA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ठीक है, इसकी वजह से हम फ्रूट्स को गिरने से रोक सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन इज लार्जली, जो हमारा ऑक्सिन का मूवमेंट है, ठीक है, जब वो डाउन टू अप जाता है तो कौन सा मूवमेंट होता है, अब इसमें क्या था, जब मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन इज लार्जली, जो मूवमेंट है हमारा इसमें क्या कहते हैं, प्लांट्स में ऑक्सीजन का, तो वो जब बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे की तरफ आता है तब कौन सा होता है, हाँ, ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो बेसिपिटल होता है, और यही अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो एक्रोपिटल होता है, कौन सा होता है, एक्रोपिटल होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो बेसिपिटल होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो एक्रोपिटल होता है। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज, जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, कैसे होती है, अनलिमिटेड होती है। सीक्वेंस ऑफ सेलुलर ग्रोथ स्टेजेस, जो हमारे जो सेलुलर ग्रोथ के स्टेजेस, उनका सीक्वेंस क्या है, वो कैसे कैसे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा डिवीजन होता है, उसके बाद इलांगेशन होता है, फिर डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, पहले वो डिवाइड होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे और डिफरेंशिएट होते चले जाते हैं, जैसे कि ब्रांचेस होती हैं हमारी। एनर्जी फॉर द अर्ली ग्रोथ ऑफ अ डेवलपिंग बीन एम्ब्रियो कम्स फ्रॉम, एनर्जी फॉर द अर्ली ग्रोथ, जो एनर्जी अर्ली ग्रोथ में आती है डेवलपिंग बीन, बीन्स में, मतलब जो हमारे बीन्स बढ़ रहे हैं उसमें एम्ब्रियो कम्स फ्रॉम, उसमें एम्ब्रियो कहाँ से आता है, लीव्स इन द सीड, क्योंकि जो सीड में क्या होते हैं, लीव्स होते हैं, उसी की वजह से उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है, ठीक है। जब न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो उनके अंदर एक एनर्जी भी आती है। तो देखते रहिए प्रोडक्ट साइंस क्लासेस, मिलते रहिए मुझसे, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्रिप्शंस दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। मैं प्रगति फिर से कहूँगी आप सभी को हैप्पी होली, और मिलते रहिए मुझसे, टेक केयर, बाय बाय।